हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अब करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो बात है कि व्हाट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या चीज है? हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी और करंट आई की बात की, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की गई या सोचा गया कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में भी क्या कोई रिलेशन है जिससे हम लोग ये कह सकें कि वोल्टेज चेंज होने से करंट विल बी चेंज लाइक दिस, या करंट चेंज होगा तो वोल्टेज पे ये असर है। तो उसी के लिए एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी डन की गई, और उस एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, करंट जो है सर्किट में इंक्रीज होता जाएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है सर्किट में, तो उसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये देखा गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी अगर I इंक्रीज हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया जिसको अपन कैपिटल R बोलते हैं। तो इसका मतलब V अपॉन I का जो रेशियो है वो एक अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वैल्यू को माना गया, दैट इज R। What is R here? R is the resistance of the conductor. Resistance है जो भी आप चीज ले रहे हो उसका, यहाँ पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि किसी कंडक्टर में से आप पर्टिकुलर वोल्टेज में अप्लाई कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज बदलेंगे आप तो करंट भी उसी रेशियो में चेंज हो जाता है, और इस क्वांटिटी को वी कॉल रेजिस्टेंस, आर कैपिटल बोलते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये लॉ एप्लीकेबल तभी है अगर टेम्परेचर जो है वो सेम रखा जाए। टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वी अपॉन आई की वैल्यू जो भी आ रही होगी वो आपको हर बार सेम मिलने वाली है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता गया एक एक्सपेरिमेंट में, तो फिर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी सेम या इक्वल नहीं आ सकती। तो मतलब टेम्परेचर सेम रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की बोलने के बजाय हम लोग डिवाइस की बोल देते हैं या कंडक्टर की बोल देते हैं, टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी डिवाइस या कंडक्टर में से, और उसको अपोज करना, उसका विरोध करना, उस प्रॉपर्टी को वी कॉल रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। बड़ा सिंपल है समझना। जैसे अपने पास एक सड़क होती है, रोड है, रोड पे क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। उन स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है कि जो हाई स्पीड चीज है उसको अपोज करना। जैसे स्पीड ब्रेकर हम लोग देखते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी या अपने व्हीकल की स्पीड स्लो डाउन कर लेते हैं, उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो भी एक ब्रेकर का काम कर रहा है। ये चार्ज को आसानी से फ्लो नहीं होने देता, चार्ज को फ्लो करने में दिक्कत पेश करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि रेजिस्टेंस राइज कैसे हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी होने की वजह क्या है। अब वजह भी बहुत आसान है। हमने पढ़ा है कि चार्ज का फ्लो होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट होता है।
चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, यानी कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, वो उसको अपने से अलग नहीं होने देता। अब इसको अलग करने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए, तो यही फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन लग रही है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब होता क्या है, यहाँ पे एक चीज और भी मैं कवर करना चाहूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, तो रास्ते में आने वाली किसी और एटम्स के साथ ये, या आइंस के साथ ये कंटिन्यूसली कोलाइड करता है। जब ये कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और ये दूसरे एंड में या फिर फ्लो होने में ज्यादा टाइम लगाएगा। तो यो भी क्या चीज हो गया कि चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस होने की वजह है। ओके, अब आती है बारी की रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट क्या है। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है इन्हीं के नाम पे यूनिट आई होगी। तो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की, दैट इज ओहम। ये सिंबल है ओहम का, OHM इनका नेम है। अगर हम लोग वी अपॉन आई के अकॉर्डिंगली बात करें तो वोल्ट पर एम्पियर भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट तो ओम ही लिखी जाती है। वैसे आपसे पूछ सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आप लोग रेजिस्टेंस लिख के आओगे। फिर वही क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिफाइन वन ओम, वन ओम हमको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बताया कि मेन फॉर्मूले पे चले जाओ, बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, सारी क्वांटिटीज वन कर दो। जब वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अप्लाई करेंगे अक्रॉस दी टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस, एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट, और इसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस बोलते हैं। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस को वी कॉल 1 ओम रेजिस्टेंस। और इस तरीके से 1 ओम की डेफिनेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे होता है, एग्जैक्ट सी लाइन बनी होती है। कई बार आप लोग देखोगे आपको ऐसे डायग्राम मिलता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है। ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक आपको सिंपल ये भी मिलता है लाइक दिस, ये स्लाइडर होता है। स्लाइडर की आप लोग स्लाइडर को मूव करते हो तो उससे क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और इस डिवाइस को रियोस्टैट बोलते हैं। आपकी लैब में भी ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हो सकता है, अगर आपको दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा, एक स्लाइडर लगा होगा और वो स्लाइडर मूव कर सकता है और वो रियोस्टैट होता है। तो ये चीज है आपके पास रेजिस्टेंस की। अब हमारे पास होता क्या है, देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स होता है, जो बाहर से सप्लाई आती है 220 से 230 वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। लेकिन हमें कई बार क्या होता है, करंट की वैल्यू कम या ज्यादा चाहिए होती है, कई बार ज्यादा कई बार करंट। एग्जाम्पल आपको इसका हूँ इलेक्ट्रिक फैन की। इलेक्ट्रिक फैन का क्या चक्कर है, उसमें आप देखोगे एक रेगुलेटर होता है, नॉब होती है, जिसपे ना नंबरिंग लिखी होती है 0 से लेके 4 या 5 तक की। 1 पे चलाओगे तो बिल्कुल स्लो चलेगा, 2 पे चलाओगे थोड़ा तेज, 3 पे थोड़ा और, 4 पे और 5 पे सबसे ज्यादा चलता है। अब वो कंट्रोल करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पीछे से आ रहा है, तो करंट हम लोग चेंज करेंगे कम या ज्यादा, और वो चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हमने क्या देखा है, V इज इक्वल टू आई आर है, वोल्टेज तो आप बदल नहीं सकते, तो
तो यानी कि आई और आर को आप चेंज कर सकते हो, अगर आई चेंज होगा तो आर भी बदलना है, फाइव चेंज करना तो आई भी बदलना है, तो उसका मतलब क्या है, बी फिक्स रखते हुए आई और आर का खेल चेंज करते रहेंगे। तो आप जब रेजिस्टेंस ज्यादा कर देते हो नोब घुमा के, ठीक है ना, सपोज करो वन पे मैं ले आया, तो वन पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है, और हमारा जो फैन है वो स्लो मूव करता है। आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हो दो नंबर पे, तीन नंबर पे, तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा और आपका फैन तेज घूमेगा। इसी को समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ रेगुलेटर में, अदरवाइज टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकता है कुछ और प्रिंसिपल लग रहा हो। अब V अपॉन I इज इक्वल टू R है, अगर आप V को कांस्टेंट रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को आप कांस्टेंट रख लो, तो इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वही चीज हो गया, करंट बढ़ाएंगे तो R कम हो जाएगा और अगर I कम कर देंगे तो R इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से करंट की वैल्यू चेंज होता ही रहती है सर्किट के अंदर, ये चीज होता है आपके पास। अब आप देखो, अब हमारे पास घरों में कितने सारे डिवाइसेस होते हैं, फैन है, मोटर है, प्रेस है, सबकी वोल्टेज तो सेम ही आती है 220 या 230, पैरेलल कनेक्शन है घरों में, लेकिन सभी जो करंट खींचते हैं वो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली खींचते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म फंक्शन कर सके। तो वी तो सबके लिए सेम है, आई अलग अलग है, तो यानी कि एक चीज और कौन सी बदली है, दैट इज रेजिस्टेंस। किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस कम है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस वजह से जो करंट है वो भी कम या ज्यादा वो ड्रॉ करती है। तो ये रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ये आप लोगों का डन हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।